तो सो हम लोग वन वन मार्कर डिस्कस कर रहे थे, तो अभी फिलहाल बचा हुआ है, देखते हैं आज ख़त्म होता है कि नहीं। वैसे थोड़ा सा बड़ा है, बट वील ट्राई आर बेस्ट। ओके, सो क्वेश्चन फोर है, फिफ्थ पेज की बैक साइड मैंने आपको बताया। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए पलक, आप इसका आंसर बताएंगे। एट्रीब्यूटिंग वंस ओन ट्रेट्स टू अदर इज नोन एज रिएक्शन फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन या रैशनलाइजेशन। तो गलत है, इसका आंसर है प्रोजेक्शन। पीछे भी आया था ये, तो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको मार्क कर लीजिएगा। एट्रीब्यूटिंग वन ओन ट्रेट टू अदर इज नोन एज प्रोजेक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। एज इट इज ये वाली लाइन वहाँ पे लिखी हुई है। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन फाइव, वो आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन सिक्स पे आइए, दिशा तुम्हारे लिए है। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड रिवॉर्डिंग स्मॉल चेंजेस इज अ प्रोसेस ऑफ डैश लर्निंग। आवाज नहीं आ रही दिशा तुम्हारी, नहीं आता, ठीक है। विकेरियस लर्निंग, विकेरियस चैप्टर फाइव का है ये। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड रिवॉर्डिंग स्मॉल चेंजेस इज अ प्रोसेस ऑफ विकेरियस लर्निंग, VICARIOUS, विकेरियस लर्निंग। सर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगा ना इसका? विकेरियस ऑब्जर्वेशन लर्निंग एक ही बात होती है। अच्छा सेम है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल एक्चुअली 11th में पढ़ाया था, इस बुक के हिसाब से विकेरियस लर्निंग है, बस ये पर है दोनों सेम ही। हाँ जी, विकेरियस लर्निंग बुक में मेंशन नहीं है पलक, इसका आंसर बोर्ड्स वाला ना विकेरियस लर्निंग है, तो आप विकेरियस लर्निंग ही लिखोगे, ठीक है। हाँ जी, गौरांगी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एन एडोलेसेंट फील्स वेरी स्ट्रांगली दैट नो वन लव्स हिम और केयर्स फॉर हिम, दिस इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन हिज वेलबींग, विच थेरेपी वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर हिज ट्रीटमेंट, साइकोडायनेमिक, कॉग्निटिव बिहेवियर या बायोमेडिकल। क्या लगता है गौरांगी क्या होएगा? कॉग्निटिव। हाँ जी सही है, कॉग्निटिव। क्वेश्चन सेवन का कॉग्निटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुनगुन आपके लिए, फोर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटीट्यूड आर वेलेंस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, डैश एंड डैश। हाँ जी, एक तो सेंट्रलिटी है और एक और एक्सट्रीम। हाँ जी सही है, एक्सट्रीमनेस एंड सेंट्रलिटी। थैंक यू गुनगुन। ओके, उसके बाद दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 9, 10 आप ये छोड़ दीजिए। क्वेश्चन वन कीर्ति आपके लिए, डैश एंड द डैश आर द डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड। कीर्ति आपके लिए, डैश एंड डैश आर द डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड। नहीं पता, ओके। सैड एंड ADHD, सैड एंड ADHD, सैड है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बच्चों को हो जाता है, मतलब वैसे भी और भी है बाई चांस, अगर ये याद नहीं होता तो और बुक में लिखा हुआ है, तो वो भी लिख सकते हैं। ऑटिज्म भी है, ठीक है, ये भी है, सैड भी है, ADHD भी है, तो ये भी बताया हुआ। इसका और वाला पार्ट है, ओके आराध्य, और वाला तुम्हारा। रीना कीप्स ऑर्गेनाइजिंग हर कबर्ड होल डे, इवन द थॉट ऑफ समबडी मिसिंग इट कीप्स हर डिस्ट्रैक्टेड इन क्लास, सच सिम्टम्स आर टिपिकल ऑफ विच डिसऑर्डर। सर OCD। हाँ जी सही जवाब, OCD, ठीक है। ओके, क्वेश्चन टू मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन टू और थ्री, फिर आगे बात चलते हैं। पीपल इन द IQ रेंज ऑफ 90 to 109 आर एवरेज, लिख लीजिए। पीपल इन द IQ रेंज ऑफ 90 to 109 आर एवरेज एंड फॉर्म 50% ऑफ द पॉपुलेशन, आर एवरेज एंड फॉर्म 50% ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद नेम द न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। स्किजोफ्रेनिया का है डोपामीन,
स्किज़ोफ्रेनिया के डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है एंड डिप्रेशन का सेरोटोनिन लॉस, सेरोटोनिन सेरोटोनिन लिख लीजिए, लॉस तो है ही है, सेरोटोनिन लॉस। स्किज़ोफ्रेनिया का डोपामिन है, डिप्रेशन का सेरोटोनिन लॉस। विनीत आपके लिए क्वेश्चन कोड, द नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन डैश थ्योरी बाय डैश। नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन सोशल लर्निंग थ्योरी बाय बेंड्यूरा। द नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा। ऐसे बुक में बेंड्यूरा लिखा हुआ है, एल्बर्ट बेंड्यूरा लिख लीजिए, बेंड्यूरा लिख लीजिए, ठीक है। चैप्टर टू का है ये, सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी बाय बेंड्यूरा। पलक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और वाला, अब्राहम्स लिंकन ऑनेस्टी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कमिटमेंट एंड ओबामास पेशेंस आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स, कार्डिनल ट्रेड्स या नन ऑफ द अबव। नो आइडिया, गेट आइडिया, नो आइडिया, एक मिनट का बता रहे हो। हाँ जी, हाँ देख रहा हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैंने लिखा हुआ है कहाँ चला गया। ऑनेस्टी, हाँ जी, का ये है, हाईली जनरलाइज तो नहीं है। नो शैब्रियल अब्राहम लिंकन इफेक्टिव रूल्स कंसीडर ओबामास पेशेंस आर एग्जांपल ऑफ जनरलाइज एंटायर सेफ आल्सो गांधी रिटर्न फॉर वैसे अगर जनरलाइज डिस्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेंट्रल ट्रेड्स में आ जाता है। आप सेंट्रल ट्रेड्स मार्क कर लो इसका अभी फिलहाल, बाकी मैं आपको ना एक बार चेक करके बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना सेंट्रल ट्रेड्स ही मार्क्ड है, ठीक है। सेंट्रल ट्रेड्स कर लो, मैं एक बार चेक करके बता दूँगा। ओके दिशा, तुम्हारे लिए ऑल एटीट्यूड शुड पोजेस अफेक्टिव डैश एंड डैश कॉम्पोनेंट। बिहेवियर एंड कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट, अब ये टेस्ट में भी दिया हुआ था मैंने वैसे। हाँ जी, ए बी सी कॉम्पोनेंट, ऑल एटीट्यूड शुड पोजेस ए बी सी कॉम्पोनेंट, अफेक्टिव बिहेवियर एंड कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट। गुरांगी आपके लिए, इन डैश इट हैज बीन फाउंड दैट ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू टेक एक्सट्रीम डिसीजन देन इंडिविजुअल। नहीं आता, ओ माय गॉड, ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप पोलराइजेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी गुनगुन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर अ स्कूल फंक्शन विच विल बी द लास्ट स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। लास्ट स्टेज स्कूल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया तो लास्ट स्टेज कौन सा होगा? एडजॉइनिंग, ठीक है। ओके ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवन कीर्ति आपके लिए, व्हाट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर द फॉलोइंग, फैमिली, पॉलिटिकल पार्टी, यूनिवर्सिटी एंड पीपल ऑफ माइंड स्टेट वर्सेस अदर स्टेट। ठीक है, पार्टी और यूनिवर्सिटी सेकेंडरी ग्रुप्स, ठीक है, और इन ग्रुप एंड सेकंड अदर स्टेट्स इज वी ग्रुप, ठीक है, अदर स्टेट्स इज आउट ग्रुप, आउट ग्रुप, इन ग्रुप और वो आउट ग्रुप। हां जी, फैमिली प्राइमरी, पॉलिटिकल सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी सेकेंडरी, पीपल ऑफ माय ओन स्टेट इज इन ग्रुप, अदर स्टेट्स इज आउट ग्रुप, ओन स्टेट इन ग्रुप, अदर स्टेट आउट ग्रुप, लिखिए विनीत। हाँ जी दिशा, तो
हाँ कोई बात नहीं दिशा, वो मैं बाद में बताता हूँ उसका। हाँ जी हाँ जी। प्राइमरी सेकेंडरी में भी, हाँ प्राइमरी सेकेंडरी में भी लाई करता है ये, बट अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन ग्रुप आउट ग्रुप में ज़्यादा लाई करता है। तो पीपल ऑफ माई ओन स्टेट इज़ इन ग्रुप और अदर स्टेट इज़ आउट ग्रुप। अगर मतलब प्रोसेस करो तो प्राइमरी सेकेंडरी भी होता है, बट है नहीं यहाँ पे कंपैरेटिवली। ठीक है वैसे। हाँ जी हाँ जी। हाँ, चलेगा चलेगा। ओके व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंसी, ये डेफिनेशन है चैप्टर 6 में दी हुई है, तो ये वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं आपको स्टिल एक बार बता भी देता हूँ। कॉन्ग्रुएंस चेंज के एटीट्यूड चेंज के नाम से बताया हुआ था, तो इट मे चेंज इन द सेम, जो यहाँ पे बताया हुआ है कॉन्ग्रुएंट चेंज जो होएगा वो है काम गया, विच इज़ अ चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड आर। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव वाला और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है एंड नेगेटिव वाला नेगेटिव हो जाता है, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट चेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है चैप्टर 6 में है, लिख लेना पेज नंबर 114 पे। ओके आराध्या तुम्हारे लिए क्वेश्चन 9। रियाज पेरेंट wants her to be a doctor and force her to take up science stream, as a result of which she is always withdrawn, irritated and rude in school. However, when she comes across another classmate who is also having the same concern, and she says she understands Riya's problem, and then she is showing dash to her positive regard, empathy, sympathy and negative regard. So sympathy. Pakka. एम्पथी एम्पथी। तो आप सामने वाले की प्रॉब्लम को अगर समझ पा रहे हो तो पुटिंग योर सेल्फ इन टू वन शूज है, तो रिया की प्रॉब्लम को वो समझ पा रही है क्योंकि उसका भी सेम कंसर्न है, तो एम्पथाइज करना होता है। ठीक है पिटी नहीं फील कर रहे हो ना, तो स्लाइटेस्ट का डिफरेंस होता है, पिटी फीलिंग नहीं हो रही तो एम्पथी है। क्वेश्चन 10 छोड़ दो, तुम्हारे लिए अभी नहीं है। क्वेश्चन 1 भी छोड़ दो, इसके बाद वाला वो चैप्टर 5 का कटवा दिया है। ओके क्वेश्चन 2 ये है विनीत आपके लिए। डैश इज नॉट सिंपली मेंटेनेंस सर्वाइवर बट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। ये चैप्टर 4 का है वेलबींग। वेलबींग स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है बिल्कुल। क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो है वेलबींग। वेलबींग इज नॉट सिंपली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल बट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड रुको, एक मिनट, ये मैं ही बता देता हूँ। आई थिंक इसका ना स्टेटमेंट चेंज होके लिखा हुआ है। एक मिनट होल्ड करो प्लीज। हाँ इसका ना आप ये लिख लो, क्वेश्चन 3 का आंसर है कोपिंग इज अ डायनेमिक डेवलपमेंटल प्रोसेस रेफरिंग टू मेंटेनेंस अ पॉजिटिव एडजस्टमेंट अंडर चैलेंजिंग लाइफ सर्कमस्टांसेस। कोपिंग लिख लो, इसका भी मैं फिलहाल श्योर नहीं हूँ बट स्टिल मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा। आप कोपिंग लिख लीजिए। वेल बींग थर्ड वाले का कोपिंग लिख लो, मैं इसको फिर भी श्योर कर दूंगा एक बार। ठीक है ओके पलक आपके लिए क्वेश्चन 4। सोशल डिजायरेबिलिटी इज अ टेंडेंसी ऑफ सब्जेक्ट टू अग्री विद द आइटम्स और क्वेश्चन इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट, ट्रू या फॉल्स। पक्का देख लो, 2 रुपये कट जाएंगे तुम्हारे अकाउंट से। ओके ये बेसिकली असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के अंदर आता है, चैप्टर 2 का पार्ट है।
तो इसमें सोशल ये ना लिमिटेशंस हैं बेसिकली सेल्फ रिपोर्ट मेजर के, तो सोशल डिजायरेबिलिटी है विच इज़ वन ऑफ देम। इट इज़ अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट टू एंडोज आइटम्स इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। ठीक है, तो ये सोशल डिजायरेबिलिटी, इसमें सोशल डिजायरेबिलिटी कहीं लिखा नहीं हुआ है एक जगह के अलावा, तो ये फॉल्स है। ये एक्चुअली में एक्विसेंस है, अ टेंडेंसी टू अग्री विद द आइटम्स और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट्स, इट ऑफन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सेइंग यस टू द आइटम्स। तो इसका एक्चुअल में जो आंसर है अपनी कन्वीनियंस के आप लिख सकते हैं एक्विसेंस, A C Q U I E S C E N C E, एक्विसेंस, A C Q U I E S C E N C E। ये चैप्टर टू में है, ठीक है, पेज नंबर 43 पे, और इसका आंसर फॉल्स है। दिशा, क्वेश्चन 5, स्टर्नबर्ग नोशन ऑफ कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इंप्लाइज दैट इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ। दिशा कहाँ रह गए हैं? क्वेश्चन 5 का आंसर बताओ ना, स्टर्नबर्ग नोशन ऑफ कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इंप्लाइज दैट इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ। यू आर नॉट अवेयर, ओ माय गॉड, कल्चर 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 कल्चर। नेक्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट होल्ड करो। इसका आंसर है क्वेश्चन 6 का बी, अ मिसमैच बिटवीन रियल एंड आइडल सेल्फ। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, एंजाइटी एंड न्यूरोटिक बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम अ मिसमैच बिटवीन रियल एंड आइडल सेल्फ। सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली बीच में से दिया हुआ है, ठीक है, तो याद वैसे ही नहीं होगा आपको। एक सेकंड होल्ड करो, ये मैंने यहाँ पर वो लिखा हुआ है चेंज करके। इंडिपेंडेंट, अच्छा मैंने कुछ ना और लिखा हुआ है, एक मिनट देख लेता हूँ, वो मेरे को ना पीछे चेक कराया हुआ था, एक मिनट रुके। इंडिपेंडेंट एंड मल्टीपल, सही है, इंडिपेंडेंट एंड मल्टीपल लिख लीजिए। एप्टीट्यूड टेस्ट आर अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, इंडिपेंडेंट एंड मल्टीपल। गुरांगी क्वेश्चन 8 बताओ, क्वेश्चन 8,
द स्ट्राइविंग फॉर फुलफिलमेंट्स ऑफ वंस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एफिकेसी या आइडियल सेल्फ। हाँ जी, क्वेश्चन 8 है, द स्ट्राइविंग फॉर फुलफिलमेंट ऑफ वन पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट, एफिकेसी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आइडियल सेल्फ। हाँ जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। गुनगुन, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन 9, डिल्यूजन्स ऑफ डैश आर द मोस्ट कॉमन इन स्किजोफ्रेनिया, पीपल विद दिस डिल्यूजन बिलीव दैट दे आर बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट, स्पाइट, स्लैंडर, थ्रेटेंड और डेलिबरेटली विक्टिमाइज्ड। गुनगुन, अच्छा, डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है, ये डिल्यूजन पढ़ोगे स्किजोफ्रेनिया में, तो इसमें लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे मारा जा रहा है, मेरे तरफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी गोरांगी, डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन, ओके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, कीर्ति आपके लिए, इन डैश सिम्टम्स वेरी वाइडली बट मे इंक्लूड रिकरेंट ड्रीम्स, फ्लैशबैक, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड इमोशनल नंबिंग, इमोशनल नंबरिंग लिखा हुआ है, इसको नंबिंग कर देना प्लीज। इन डैश सिम्टम्स वेरी वाइडली बट इंक्लूड रिकरेंट ड्रीम्स, फ्लैशबैक्स, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड इमोशनल नंबिंग। नहीं पता कीर्ति, बता दूं, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अभी फिलहाल शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो आप, बट आंसर्स बोर्ड में लिख के आओगे तो पूरा लिखना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मत, एब्रीवेशन मत यूज करना, मार्क्स काट लेते हैं, लिखा होता है आंसर की में, एब्रीवेशन नॉट टू बी यूज्ड। ओके, आराध्य, डैश इज अ नैरोअर टर्म एंड रेफर्स टू रिमार्केबल एबिलिटी इन स्पेसिफिक फील्ड। बताना बताना गौरांगी, गौरांगी ने हाथ उठाया, उठाओ गौरांगी, हाथ उठाओ। टैलेंट, ओह माय गॉड, क्या टैलेंट है, टैलेंट, सही है। चैतन्य, ये आई थिंक बता रखा था तुमने पहले भी, तो चलो बता दो, यू जस्ट फाउंड अ वॉलेट इन अ मूवी हॉल, विच एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिक थ्योरी वुड अर्ज यू टू रिटर्न इट टू द ओनर। चैतन्य सर, इसमें सुपर ईगो आइडेंटिटी का वो पार्ट है। हाँ जी, सुपर ईगो। सोशियो का पेपर कैसा गया चैतन्य आज का? सर अच्छा था। नाइस। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं, टैलेंट। क्वेश्चन 3, विनीत आपसे, इन डैश डिसऑर्डर द पर्सन एक्सपीरियंसेस चेंज इन द पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ एंड रियलिटी। नहीं बता, डीपर्सनलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन या फिर इसका दूसरा नाम है डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर, दो नाम से है बुक में लिखा हुआ है, डीपर्सनलाइजेशन या फिर डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। पलक आपके लिए क्वेश्चन 4, पहले कर लिया है हमने ये, इफ़ अ चाइल्ड गिव्स ट्रबल इन ईटिंग डिनर, एंटीसीडेंट ऑपरेशन वुड बी टू प्रेज द चाइल्ड एवरी टाइम द फिनिश इज डिनर। फॉल्स। सर क्यों, ट्रू ही तो होगा। नहीं ना, पलक बताया तो था, चाइल्ड गिव्स ट्रबल इन ईटिंग डिनर, एंटीसीडेंट ऑपरेशन वुड बी टू प्रेज अ चाइल्ड, नहीं है,
ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था चैप्टर 5 में, तो ये प्रेज अ चाइल्ड वाला कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन है, ठीक है, ये फॉल्स है, लिख लो एंटी सी, यहाँ पे एंटीसीडेंट ऑपरेशन टू प्रेज द चाइल्ड नहीं है, कॉन्सिक्वेंट है वो। चैप्टर फाइव का है, क्वेश्चन 4 फॉल्स है, ठीक है वो लिख लो ये चैप्टर। हाँ जी कीर्ति, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है? डी पर्सनलाइजेशन या फिर डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। दिशा आपके लिए, आर्या बिलीव दैट फेमस अ फेमस सॉन्ग संग बाय अ पॉपुलर म्यूजिक ग्रुप कैरिड अ स्पेशल सीक्रेट मैसेज मेंट ओनली फॉर हर, दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डिल्यूजन, पर्सिक्यूशन, रेफरेंस, इन्फ्लुएंस या ग्रैंडियोर। ओए हो, कहाँ से कॉपी मारा दिशा? ओह ठीक, रेफरेंस सही है, नहीं सही है, अंडरस्टैंड, स्पेशल मीनिंग वाला है, तुमने डाउट भी पूछा था दिशा, तो स्पेशल मीनिंग जब अटैच कर रहे होते हो कि कुछ स्पेशल मैसेज आ रहा है, कुछ स्पेशल मीनिंग अटैच हो रहा है, तो वो रेफरेंस कहलाता है। ओके, क्वेश्चन 6 कट कर दीजिए, आपके कोर्स में नहीं है अभी, क्वेश्चन 7 पे आ जाइए आप, गोरांगी क्वेश्चन 7 बताओ, अकॉर्डिंग टू लेजारे सेकेंडरी अप्रेजल इन्वॉल्व्स। Oh my God! Estimating the resources a person has available for coping. Lazarus का secondary appraisal आप देखते हो, ये chapter 3 का है, आपको दिया हुआ है उसमें secondary, which is assessment of one coping ability and resources and whether they will be sufficient to meet the harm or threat. कर लिया वहाँ, ठंड लग रही है, बंद कर दूँ, भंग हो गया, सही है ना? Question 7 का है D part answer. गुनगुन क्वेश्चन 8, इन द बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी सी स्टैंड्स फॉर, है डी, हाँ जी, हाँ जी गुनगुन डी है उसका आंसर, सेवेंथ का डी है, डी, हाँ जी, एट्थ बता दो गुनगुन, इन द बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी सी स्टैंड्स फॉर, मिर्जापुर वाला आंसर मत दे देना, असली वाला देना, नहीं पता, ओ माय गॉड, क्या कह रहे हो गोरांगी बताओ, तुमने नोट्स नहीं खोले हुए सामने, या इसका मैं वर्ड भूल गया, सारे क्वेश्चन आंसर आगे पीछे, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं सी स्टैंड्स फॉर बिग 5 फैक्टर, ये बॉक्स 2.2 है पेज नंबर 33 पे, सी का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ये बुक में आप देख लेना, इसका स्पेलिंग जो है कॉन्शियसनेस करके दिया हुआ है, CONSCIENTIOUSNESS, CONSCIENTIOUSNESS, consciousness. So page number and box number. Box 2.2, page number 33. कीर्ति क्वेश्चन 9, अ रियलिटी टेलीविजन शोज दैट डेलिबरेटली फोर्स शोज डेलिबरेटली दैट डेलिबरेटली फोर्स पीपल टू फेस देयर वर्स्ट फियर्स आर मोस्ट सिमिलर टू विच थेरेपी टेक्निक, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्जन थेरेपी, फ्लडिंग या एक्सटिंक्शन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, क्वेश्चन 10 कट कर दीजिए, है दिशा, अभी बताऊं मैं तुम्हें, बिहेवियर थेरेपी का पार्ट है, बिहेवियर थेरेपी में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में आपको जो है आपकी जिस जिन जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, तो सबसे लो जिससे कम डर लगता है उसको,
थैंक यू. ओके, उसके बाद कौन है आराध्य? फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस इज लेजारस, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स, पक्की बात है? फॉल्स है ये. ओके ठीक है, फॉल्स है ये. हैंस सैलिए है, हैंस सैलिए इसका नाम है, हैंस सैलिए. तो ये काले काले फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स. तो काले काले फॉल्स है इसके लिख लीजिए, और हैंस सैलिए इसका राइट आंसर है. ओके चैतन्य, आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स है. एग्जांपल्स ऑफ कॉग्निटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस आर डैश एंड डैश. ठीक है चलेगा. इमोशनल कॉग्निटिव पे स्ट्रेस डोंट एबल टू पुअर डिसीजन मेकिंग, एक तो लिख लो सही है चैतन्य ने जो बोला, और दूसरा क्या बोला चैतन्य? सर सिर्फ एक ही बोला था. ओके फॉल्ट, पुअर डिसीजन मेकिंग और पुअर कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस एसटीएम, पुअर कॉन्सेंट्रेशन एंड रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी. लिख लो याद रहेगा. ओके क्वेश्चन थ्री, स्टेट ट्रू और फॉल्स है ये मैं ही बता देता हूँ. हार्डीनेस इज द एबिलिटी टू से नो टू समवन, तो ये फॉल्स है, इसको फॉल्स कर लीजिए. क्वेश्चन फोर, चूज द करेक्ट ऑप्शन है. अ डिसऑर्डर इन विच लॉन्ग पीरियड्स ऑफ काम आर ब्रोकन बाई शार्प इंटेंस पीरियड्स ऑफ एंजाइटी इज कॉल्ड एज. क्या लगता है वेलीज क्या होगा तुम्हारे यहाँ से? पैनिक डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबिया या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर? पैनिक, मैं चेक कर लेता हूँ इसमें ना, दोनों दोनों के सिम्टम्स पैनिक या जनरलाइज एंजाइटी है, मैं वो चेक कर लेता हूँ. रीअकरेंट एंजाइटी अटैक्स, इंटेंस टेरर, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, इंटेंस एनी prolonged vague unexplained intense fear frequent anxiety intense terror and predictable pain long physical and breathless and palpitation or specific phobia occurring. okay isko main check karta hu theek hai, iska na features match nahi kar rahe, main isko check karke batata hu, maine isko likha nahi hua, ek second check kar lo, maine purani sheet mein likha ho shayad. abhi generalized anxiety disorder mark kar lo, wahi marked hai, maine check karke hi likha hoga, baki main isko check karke bata dunga. theek hai, question mark maine laga liya अपने पास, तो मैं चेक करके बता दूँ. ठीक है पलक, क्वेश्चन फिफ्थ, टाइप्स ऑफ बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आर बाइपोलर वन. आगे नो आगे. अच्छा अच्छा, मैं सोचा नो आगे. बाइपोलर वन, बाइपोलर टू एंड साइक्लो एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर. बाइपोलर वन, बाइपोलर टू एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर. साइक्लोथिमिक या साइक्लोथाइमिक लिख लो, टी एच वाई. साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, ओके. क्वेश्चन सिक्स्थ है दिशा, आपके लिए. हेलुसिनेशन इज डिफाइंड एज परसेप्शन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई. हाँ जी ट्रू है. ठीक है ओके. क्वेश्चन सेवन, गौरांगी आपके लिए. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस बाय वॉल्पे, फ्रेडरिक पर्ल्स या विक्टर फ्रैंकल? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस बाय वॉल्पे, फ्रेडरिक पर्ल्स, विक्टर फ्रैंकल. गौरांगी सो गए क्या? नहीं सोच रही. सोच रहे हो या गूगल सर्च कर रहे हो? नहीं गूगल सर्च पे कुछ नहीं मिला, मैंने कर लिया.
वॉल पे लिख लो, सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस बाय वॉल पे। ओके गुनगुन आपके लिए, रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस रेफर्स टू। एवर्सिव कंडीशनिंग, ठीक है, रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड, हमेशा अनडिजायर्ड होगा, जहाँ डिजायर्ड आएगा वो फॉल्स हो जाएगा। रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस दिस रेफर्स टू एवर्सिव कंडीशनिंग। ये थेरेपी है, थेरेपी तो नहीं है, एवर्सिव कंडीशनिंग ही है। एक मिनट रुकना, हाँ एवर्सिव कंडीशनिंग है, ठीक है। ओके क्वेश्चन 9 छोड़ दीजिए, आपके अभी कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन 10 भी छोड़ दीजिए, कोर्स में नहीं है। बायोलॉजिकल में क्या डिवीजन रिएक्टिव आई एम, एक मिनट ये मैं बता दूँ, बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वेज ऑफ रिएक्टिंग स्कोर। बायोमेडिकल होगा? नहीं यार, बायोमेडिकल तो नहीं होगा, बायोमेडिकल तो थेरेपी है यार। वो देख लेता हूँ एक बार, रुको मैंने लिखा नहीं हुआ है। बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग स्कोर, ओके फिलहाल के लिए छोड़ दो, मैं चेक करता हूँ उसको। क्वेश्चन 2, आराध्य तुम्हारे लिए, डैश इज अ बिलीव दैट इज फॉर्मली हेल्ड इन इनएडिक्वेट ग्राउंड्स। डिल्यूजन्स है ये, डिल्यूजन्स। क्वेश्चन 2 इज डिल्यूजन इज अ फॉल्स बिलीफ दैट इज फॉर्मली हेल्ड इन इनएडिक्वेट ग्राउंड्स। ओके क्वेश्चन 3, कीर्ति आपके लिए, कीर्ति ने बता दिया था, एक मिनट कीर्ति आपके लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर इज पॉसिबल विद डैश, बता दिया था नहीं? तो बता दो, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर इज पॉसिबल विद, ओह माय गॉड, अच्छा कोई बात नहीं, कोई सारी 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 उसी चैप्टर से पूछूंगा मैं, जानबूझ के थोड़ा ना पूछ रहा हूँ, ये सीरियल वाइज लिखा हुआ आ रहा है, वैसे भी दो चैप्टर कट गए हैं तो वो घूम फिर के उतना ही आता होगा। अब बच्चे इतने सारे होते हैं तो फिर रिपीट नहीं हो जाता ना फिर। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर लिख लो, DSM-5 लिख लो, ICD-10 लिख लो, DSM-5, ICD-10, DSM-5 इज डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5 एंड ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 10, ठीक है, वर्जन है 10, मतलब एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ, पेज नंबर 73 पे। चैतन्य, द स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉस्टेशन इज नोन एज, बर्नआउट। विनीत आपके लिए इजी है थोड़ा सा, एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व प्रॉब्लम इज नोन एज, ठीक है। तो इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस वाला था ये, आप फर्स्ट चैप्टर में है, क्रिएटिव वाला भी इसमें लिख सकते हो, दो नाम है इसके, मैं यार भूल गया हूँ नाम बार बार, कहाँ चला गया हूँ, एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ठीक है जी। तो आज हम फिलहाल इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा वरना, क्योंकि अभी थोड़ा सा बचा है, नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म करते हैं। अब हम पॉल साइंस के लिए मिलेंगे थोड़ी देर में।